योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश, दोबारा लाउड स्पीकर लगाई तो खैर नहीं, अब एक्शन की तैयारी। क्रिसमस पर मायावती ने दी बधाई, फिर बोली धर्म परिवर्तन को लेकर देश भर में बवाल मचाया जाना अनुचित। आईआईटी कानपुर में तैयार किया गया कृत्रिम हृदय, जल जानवरों पर शुरू होगा परीक्षण। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। मदरसों के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी, साप्ताहिक अवकाश में फेरबदल नहीं, 75 दिन रहेंगे बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। नए साल की आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में आखिरी बार मन की बात की। ये मन की बात का 96वां एपिसोड था और आखिरी 2022 का। पीएम ने 2022 की उपलब्धियों का जिक्र किया और 2023 की चुनौतियों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर सावधान रहने की हिदायत भी दी। पीएम ने कहा कि 2022 वाकई कई मायनों में बहुत प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। मन की बाद में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, साथ ही देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित कर, इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर एक लघु नाटक का भी मंचन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के सुशासन दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित हुई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्वर्गीय अटल जी इस देश की विदेश नीति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से रखने वाले एक प्रखर राजनेता भी थे और देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में अस्थिरता के दौर में उभार कर भारत की राजनीति को स्थिर, पारदर्शी कैसे बनाया जाना चाहिए, इसके प्रतीक पुरुष भी थे। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर देश बचाओ देश बनाओ संकल्प को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह संकल्प पैदल यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में गाजीपुर से निकाली यात्रा प्रयागराज पहुंची, जहां कटरा वार्ड 63 की भावी प्रत्याशी नीलम चौरसिया सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं यात्रा के स्वागत के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा दिखी, तो वहीं लोगों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद, अभिषेक यादव और नीलम चौरसिया के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए। देखिए, देश बचाओ देश बनाओ यात्रा जो चल रही है, मैं इतने कहूँगा कि देश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केवल जनता में जुमलेबाजी का काम हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि कब तक मंदिर चलाओगे, कब तक धर्मवाद चलाओगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि यहाँ की जनता को, जो भूखी जनता है उसको जो है खाना चाहिए, बेरोजगार नौजवान जो पढ़ के निकले हैं। देश बनाओ देश बचाओ की यात्रा को सफल बनाने के लिए आज हम लोगों ने माननीय संदीप यादव जी और माननीय अनूप यादव जी, आलोक जी, राकेश वर्मा जी, इन सबका हम लोगों ने भव्य स्वागत किया और मैं चाहूँगी इस यात्रा में वो सफलता प्राप्त कर। सुल्तानपुर में क्रिसमस का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सिविल लाइन स्थित सेंट पॉल एवं क्राइस्ट चर्च में ईसाई समुदाय के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। फादर जॉन लेबो के संयोजन में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। लोगों ने चर्च में कैंडल जलाकर प्रभु यीशु से विश्व में शांति की प्रार्थना की एवं केक खिलाकर एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। पूरे संसार भर में आज क्रिसमस मनाया जा रहा है। क्रिस्ट जयंती प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म दिवस है और हमारा कार्यक्रम इस प्रकार होगा। हम लोग रात को पूजा अर्चना करेंगे और एक दूसरे को शुभकामनाएं अर्पित करेंगे और हमारे पूजा पाठ के समय हम लोग विशेष रूप से याद करेंगे और प्रार्थना करेंगे विश्व शांति के लिए, और वैसे ही कोरोना से पीड़ित हैं लोग। 25 दिसंबर, जैसे कि हम जानते हैं कि हर साल प्रभु यीशु के जन्म का महोत्सव मनाया जाता है,
ये क्रिसमस डे के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम इस साल विशेष रूप से पूरे विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जहाँ पे दुनिया में सब जगह युद्ध का एक बहुत ही ख़राब वो माहौल है, तो हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे सब लोग। कहते हैं प्रभु यीशु का जन्मदिन और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। पूरे विश्व में हम इस त्यौहार को मनाते हैं और साथ साथ हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन वो चरनी में जन्म लिए, उसी प्रकार हमारे दिलों में भी वो जन्म ले। लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी प्रेयर्स रखते हैं ईश्वर के सामने और ईश्वर उनकी दुआ को कबूल करते हैं और हम सभी को ब्लेसिंग्स देते हैं। सो हम आपको विश करते हैं ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी एंड मेरी क्रिसमस। फतेहपुर में उपनिबंधक सहकारिता ने धान खरीद केंद्र में छापा मारा। बहुत दिनों से यहां के किसानों द्वारा सचिव की शिकायत मिल रही थी। बताया जा रहा था कि धान खरीद केंद्र मुराव में बिचौलिया से धान खरीदा जा रहा है और किसानों से मनमानी तरीके से कटौती की जा रही है। अनियमितता पाने पर टीम ने सचिव पर FIR के आदेश दिए हैं। वहीं भ्रष्ट सचिव खुद को बचाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाकर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। देवरिया उमानगर पश्चिमी में रोड नहीं बनने से नाराज जनता ने बोर्ड का बहिष्कार किया। क्षेत्रवासी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर निकाय चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। क्षेत्रवासी नेताओं से लेकर अफसरों के कार्यालय जाकर रोड बनवाने को लेकर गुहार लगा रहे हैं। क्षेत्र में सड़क नहीं बनने से आक्रोशित होकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। लोगों का मानना है कि शासन प्रशासन हमारी एक नहीं सुन रहा है, नगर पालिका भी उदासीनता की देखी है। अगर रोड नहीं बनी तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम सुशील कुमार यादव है, मैं इसी मोहल्ले का निवासी हूं। अपने वार्ड में घूमने के बाद आप जान ही रहे हैं, पिछली बार भी आपसे मुलाकात हुई थी, जैसे कि ये नगर पालिका का सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे पिछड़ा वार्ड कह लीजिए। इस रास्ते को आप देखे हैं, जनता की बात सुने हैं, जनता इस रास्ते की वजह से बहुत नाराज़ है। तमाम प्रत्याशी आते हैं, लोग अपने वोट के लिए बस वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कोई यहाँ पूछने नहीं आता है। मेरा मान लीजिए मैं इसी मोहल्ले का निवासी हूँ, इन लोगों का भाई बेटा हूँ, तो चुनाव के साथ साथ अपना मोहल्ला है तो विकास की बात करना ज़रूरी। वोट हम लोग नहीं देंगे सर, जब तक हम लोगों के सड़क नहीं बनेगा, नाली नहीं बनेगी, तब तक हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। ना प्रधानमंत्री का वोट देंगे, ना मुख्यमंत्री का वोट देंगे, ना वार्ड मेंबर का वोट देंगे, कोई वोट नहीं देंगे। आपने वोट का बहिष्कार कर दिया? जी हाँ, हम लोग नहीं, सब मोहल्ले वाले लोग मिलकर वोट का बहिष्कार किए हैं, क्योंकि इधर कोई विकास नहीं हो रहा है। हम लोग DM साहब के यहाँ गए, EO साहब के यहाँ गए, SDM के यहाँ गए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाली हूँ? मैं विभा सिंह, यही उमानगर की रहने वाली हूँ। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।